खबर कुलगाम से मिल रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया है। तो सुबह सुबह ये बड़ी खबर आपको दे दें कुलगाम से, ये बड़ी खबर, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। कई घंटों से वहां पर एनकाउंटर चल रहा था, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और आतंकी के मारे के जाने के बाद से वहां से सुरक्षा बलों ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। अशरफ हमारी संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। अशरफ, बड़ी कामयाबी है, आतंकी के बारे में और क्या क्या जानकारी मिली है और अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है? राजू, ऑपरेशन तो खत्म हो गया है क्योंकि संभवता यही है कि एक ही आतंकी इस गांव में छुपा था जो कुलगाम जिले में वादुरा गांव आता है। वहां पर बीती रात सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि गांव में कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद गांव की घेराबंदी शुरू हुई और उसी बीच मुठभेड़ हुई जिसमें ये आतंकी मारा गया है। उसकी पहचान भी हुई है, वहीं का रहने वाला है, आदिल अहमद उसका नाम है और अलबदर संगठन से पुलिस के अनुसार उसका संबंध था। अलबदर अगर माने तो वो हिजबुल का ही एक दूसरा ब्रांच है और उसके मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों का मानना है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में ये आतंकी जो है एक खतरा बना हुआ था सुरक्षा एजेंसियों के लिए और इसके मारे जाने के बाद ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए है। फिलहाल जो मारा गया आतंकवादी है उसके कब्जे से एक AK-47 राइफल और कुछ गोली बारूद भी बरामद हुआ है। अब बता रहे हैं कि AK-47 जो है इसके पास से बरामद हुई है। अल बग्र आप बता रहे हैं कि संगठन जो कि हिजबुल का ही एक तरीके से विंग है उसी से जुड़ा हुआ था, क्या ये वही कश्मीर का रहने वाला है या पाकिस्तान से भारत में आया? नहीं राजू, ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्थानीय आतंकी है जो उसी गांव का रहने वाला है जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी और कुछ 3 महीने से ये सक्रिय था और 3 महीने पहले ही ये घर से लापता हुआ था जब उसके बाद ये पता चला था कि उसने आतंकी संगठन को ज्वाइन किया है, अलबदर संगठन को। और आज काफी दिनों से इसकी तलाश थी सुरक्षा बलों को क्योंकि माना जा रहा था पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो एक सिलसिला रुक गया था रिक्रूटमेंट का जम्मू कश्मीर में, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में आतंकवादी संगठनों का, उसमें अब ये दूसरी दोबारा कोशिश कर रहा है कि और भी युवाओं को, लड़कों को जो है आतंकी संगठनों में शामिल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके मारे जाने के बाद अब जो वो कड़ी है वो भी उस पर भी अंकुश लगाया है सुरक्षा बलों ने। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।